वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ ताकि चैनल पर जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे तो आप सब लोगों को उसकी नोटिफिकेशन पहले आ जाए। काफ़ी स्टूडेंट्स की मैसेजेस मुझे रिसीव हुई कि सर, ड्यूरिंग आवर कोर्स हम कौन सी बुक्स यूज़ करेगी। तो आधे स्टूडेंट्स आप में से बीएससी कर रहे हैं, आधे एमएससी रेडियोलॉजी कर रहे हैं या कुछ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आज इसीलिए मैंने बनाया है ताकि उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिले कि वो कौन सी बुक्स यूज़ करें ड्यूरिंग देयर कोर्स। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, वी विल स्टार्ट टूडेज वीडियो। एनेटमी और फिजियोलॉजी के लिए आप कौन सी बुक यूज़ करोगे? तो अगर हम बात करेंगे एनेटमी और फिजियोलॉजी की, एनेटमी और फिजियोलॉजी के लिए आप एक बुक, बहुत ही अच्छी बुक है ये, तो इसके लिए आप यूज़ करो टेक्स्ट बुक ऑफ एनेटमी एंड फिजियोलॉजी बाई आशा, लता एंड दीपा। वेरी नाइस बुक, तो मैंने खुद भी पढ़ी है ये, आशा, लता और दीपा ने लिखी है। तो उसका फोटो में यहाँ पे आपको शेयर करूँगा कवर पेज का, तो आप देखिए ये बुक आपको यूज़ करनी है एनेटमी और फिजियोलॉजी के लिए। टेक्स्ट बुक ऑफ एनेटमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेज बाई आशा, लता एंड दीपा। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रेडिएशन एंड रेडियोलॉजी फिजिक्स के लिए आप कौन सी बुक यूज़ करोगे, तो यहाँ पे मैंने इसके लिए चार बुक्स आपको रिकमेंड किए। तो इन में से आप किसी भी एक को यूज़ करो, तो चारों बढ़िया हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सी बुक यूज़ करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको कि फर्स्ट द फिजिक्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग बाई के थाइलन। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, कंप्रहेंसिव बुक है। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, रेडियोलॉजी फिजिक्स की, तो इसको आप यूज कर सकते हो। या दूसरी मैंने यहाँ पे रखी है जो बुक, दैट इज टेक्स्ट बुक ऑफ रेडियोलॉजी फॉर रेजिडेंट्स एंड टेक्नीशियंस बाई सतीश के बागावा, सुमित बागावा। बहुत ही अच्छी बुक है ये भी, तो अगर आप पहली वाली यूज नहीं करोगे तो इसको यूज कर सकते हो। तो थर्ड जो मैंने आपके लिए रिकमेंड की है बुक फिजिक्स के लिए, दैट इज क्रिस्टेंसन्स फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। ये भी बढ़िया बुक है, तो अगर आप ये भी यूज़ नहीं करोगे तो एक और बुक मैंने आपके लिए यहाँ पे रिकमेंड किए हैं, दैट इज फार्स फिजिक्स फॉर मेडिकल इमेजिंग। ये भी मैंने खुद पढ़ी है, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, कंप्रहेंसिव बुक है। यू कैन गो फॉर दिस फार्स फिजिक्स फॉर मेडिकल इमेजिंग। इन चार में से आप किसी भी एक को चूज करो और वन टू द लास्ट पढ़ो, बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए गाइज, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग के लिए आप कौन सी बुक यूज़ करोगे। तो रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग के लिए भी मैंने आपके लिए दो बुक्स रिकमेंड किए हैं, तो इन में से किसी भी एक को चूज़ करो। तो सबसे पहली जो बुक है, दैट इज़ आप सब लोगों को भी पता होगा, तो इट इज़ अ वेल नोन बुक, क्लार्क्स पोजीशनिंग इन रेडियोग्राफी। बहुत अच्छी बुक है ये। या अगर आप क्लार्क्स पोजीशनिंग इन रेडियोग्राफी को यूज़ नहीं करोगे, तो मैंने आपके लिए एक और बुक रखी है यहाँ पे, दैट इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग एंड रिलेटेड एनेटमी बाई बॉन्ट्रेजर एंड लैम्पिग्नेनो। तो इसमें आपको क्या मिलेगी, एक तो आपको रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग मिलेगी और रेडियोलॉजिकल एनेटमी भी मिलेगी। तो ये भी आप क्लार्क्स के सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, तो ये बढ़िया बुक है। इसमें आपको एनेटमी भी साथ साथ मिलेगी और पोजीशनिंग भी, बॉन्ट्रेजर एंड लैम्पिग्नेनो। नाउ इफ वी टॉक ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए भी मैंने आपको दो बुक्स रिकमेंड किए। आप यूज कर सकते हो ये वाली बुक, दैट इज रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स ए गाइडलाइन बाय डॉक्टर भूषण एंड लाखा। अच्छी बुक है ये, और अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो ये वाली आप यूज़ करो, दैट इज़ चैपमैनस गाइड टू रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स। तो ये जो चैपमैनस गाइड टू रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये भी, और कंप्रहेंसिव भी है।
तो चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें MRI, CT और UAG के लिए अलग बुक पढ़नी होगी डिटेल में, तो ये स्पेशली फॉर थर्ड ईयर एंड MSc स्टूडेंट्स, तो वो इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि MRI के लिए कौन सी बुक यूज़ करेंगे। MRI के लिए आप यूज़ करो MRI इन प्रैक्टिस बाय कैथरीन वेस्टब्रुक, बढ़िया बुक है ये। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए आप यूज़ करोगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी फॉर टेक्नोलॉजिस्ट्स, ए कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बाय लुइस ई रोमानस, ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए बेस्ट बुक हैं। तो अल्ट्रासाउंड के लिए अगर आपको यूज़ करनी है बुक, तो ये वाली बुक आप यूज़ करो, न्यू मिलेनियम एडिशन मैनुअल ऑफ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। इसको रिकमेंड किया है, पब्लिश किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बुक रहेगी। अगर आपको डिटेल में अल्ट्रासाउंड फिजिक्स, अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर्स पढ़ने होंगे, तो ये बुक कंसल्ट करो। इसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि रीसेंट एडवांसेस इन रेडियोलॉजी के लिए आप कौन सी बुक यूज़ करोगे। तो ये वाली बुक बढ़िया है रीसेंट एडवांसेस के लिए, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी रीसेंट एडवांसेस एंड अप्लाइड फिजिक्स इन इमेजिंग, गुप्ता चौधरी खंडेलवाल की बुक है, बढ़िया बुक है ये भी। इसके बाद अगर आपको पेशेंट केयर इन रेडियोलॉजी पढ़ना होगा, तो इसके लिए मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की, बहुत ही अच्छी बुक है ये भी, पेशेंट केयर इन रेडियोग्राफी विद एन इंट्रोडक्शन टू मेडिकल इमेजिंग, तो ये लिखी है अहलरिच एंड कोक्स ने, बढ़िया बुक है ये अगर हम बात करेंगे पेशेंट केयर की। तो इसके बाद अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना होगा, या कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करता है, तो ऊपर वाली बुक्स को अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद आपको MCQs सॉल्व करने हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए दो बुक्स रिकमेंड की हैं। तो सबसे पहली बुक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हैं MCQs इन रेडियोलॉजी फॉर रेजिडेंट्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट्स, ये भी लिखी है सुमित बागावा और सतीश के बागावा ने। और दूसरी आप यूज़ कर सकते हो रिव्यू ऑफ रेडियोलॉजी बाय सुमीर के सीठी। तो अगर आपको सिकिम्स लाइक एंट्रेंस देने होंगे जहाँ पे ज़्यादातर क्लिनिकल पूछा जाता है, तो आप ये वाली बुक यूज़ कर सकते हो रिव्यू ऑफ रेडियोलॉजी बाय सुमीर के सीठी। ठीक है गाइज, आई होप कि आज का जो लेक्चर था, आज का जो वीडियो था, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसको आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। फी अमानिल्लाह।